ठीक 5 महीने से बंद दिल्ली मेट्रो के संचालन को लेकर लगातार पिछले 15 दिनों से अच्छी खबरें आ रही हैं। इसी बीच दिल्ली मेट्रो के परिचालन के संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम कार्यकारी निदेशक अर्जुन दयाल की ओर से एक अहम बयान आया है। डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक का कहना है कि यदि सरकार हमें हरी झंडी देती है तो तुरंत दिल्ली मेट्रो को शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ रविवार को उन्होंने फिर दोहराया है कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देश लागू करने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि मेट्रो में यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। मेट्रो में सख्ती से नियमों का पालन होगा। मेट्रो यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सफर करने वाले सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। वहीं मेट्रो में सफर से पहले सभी यात्रियों का तापमान भी नापा जाएगा। ऐसे में जो संदिग्ध मरीज होंगे उन्हें पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। कोच में यात्रियों की संख्या 50 के करीब ही होगी। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली के व्यापारी और व्यापार संगठन के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को लेकर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हमने केंद्र सरकार से दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि हम मेट्रो चलाना चाहते हैं और उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसके लिए जल्द ही अनुमति दे देगी। अगर केंद्र सरकार पूरे देश में मेट्रो नहीं चलाना चाहती है लेकिन उन्हें दिल्ली में मेट्रो खोल देनी चाहिए, मेट्रो का परिचालन शुरू करना चाहिए। पहले सरकारी इमरजेंसी सेवा करने वाले लोगों को मेट्रो में सफ़र करने का मौका देना चाहिए। उसके बाद अगर परिणाम सही आते हैं तो यात्रियों का दायरा आगे बढ़ा दिया जाएगा। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।